दोस्तों, इसरो एक बहुत ही अत्याधुनिक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है तृष्णा। असल में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES अपने तीसरे ज्वाइंट मिशन पर काम कर रहे हैं। फ्रांस इंडिया का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में बड़ा सहयोगी रहा है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ऐसे सैटेलाइट पर काम करते हैं जो हमारी धरती में हो रहे जलवायु परिवर्तन को समझ सके। दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हर देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। ऐसे देश जिसमें आपस में मतभेद भी हों, फिर भी वो स्पेस में एक साथ काम करते हैं। जैसे नासा रशिया के साथ मिलकर काम करता है, रशिया चाइना के साथ मिलकर काम करता है, इंडिया नासा और रशिया और फ्रांस सबके साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि एक अकेला देश सारी चीजें डेवलप नहीं कर सकता। तो इस बार इसरो फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES के साथ मिलकर काम कर रहा है। स्पेस फील्ड को लेकर मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। मुख्यतः 5 स्पेस एजेंसियों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है। इसमें अमेरिका की नासा, जापान की जैक्सा, यूरोप की ESA, रूस की रॉसकॉस्मोस और कनाडा की CSA शामिल हैं। इसे 20 नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। यह पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। साल 2000 के बाद यहाँ पर दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्री रहते आए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे कि ऐसा क्या खास है इस सैटेलाइट में। अगर आप स्पेस से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये इसरो और CNES का तीसरा ज्वाइंट मिशन है। इससे पहले भी 2 और सैटेलाइट को इसरो और CNES मिलकर बना चुके हैं, जिनमें से पहला है मेगाट्रॉपिक्स, जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये सैटेलाइट क्लाउड पैटर्न्स को समझने में मदद के लिए बनाया गया था। मेगाट्रॉपिक्स मानसून, चक्रवात आदि जैसे उष्णकटिबंधीय वातावरण तथा जलवायु के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। दूसरा है सरल, यानी सैटेलाइट फॉर अल्टिका एंड आर्गोस, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष से समुद्र का अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट में 2 मेन इंस्ट्रूमेंट थे, अल्टिका और आर्गोस, जिसे समुद्र के सरफेस का एलिवेशन और समुद्र से क्लाउड के वाटर सर्कुलेशन के अध्ययन के लिए बनाया गया था। दोस्तों, इसरो ऑफिशियल्स का यह भी कहना है इस सरल के आर्गोस इंस्ट्रूमेंट को इसरो के OceanSat-3 सैटेलाइट में भी इंस्टॉल किया जाएगा। OceanSat-1 और OceanSat-2 को इसरो पहले ही लॉन्च कर चुका है। आर्गोस को इसी फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES ने नासा और नेशनल ओशनोइक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर बनाया है। अब इसरो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज मेट्रोलॉजिकल और ओशनोग्राफिक डेटा जुटाने के लिए करेगा। अब ये तीसरा मिशन यानी तृष्णा सैटेलाइट इसरो और CNES की संयुक्त साझेदारी में लॉन्च किया जाएगा। इस परियोजना में रक्षा और एरोस्पेस कंपनी एयरबस भी शामिल है। यह एक अत्याधुनिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तृष्णा एक हाई रेजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका प्रक्षेपण प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन और जलवायु निगरानी के लिए किया जाएगा। इसका लाइफ स्पैन 5 साल का है। इसे धरती से 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाएगा। भारत फ्रांस की संयुक्त साझेदारी में बनने वाला यह नवीनतम उपग्रह जल चक्र की समझ बढ़ाएगा। इस उपग्रह से प्राप्त आंकड़े जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बेहतर ढंग से परिभाषित करेंगे और पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान जल संसाधनों का स्थानीय स्तर पर समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। कृषि के लिए छोटे छोटे जल संसाधनों का भी बेहतर इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है।
ताजे पानी का लगभग 70% इस्तेमाल खेती के लिए होता है। इसलिए बहुत ही सटीक तरीके से ये पता लगाना होगा कि हमारे छोटे बड़े हर पानी के सोर्सेस का और उनकी क्षमता का। इस परियोजना के लिए इसरो प्लेटफॉर्म तैयार करेगा और शॉर्ट वेव और इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप करेगा। यानी इस परियोजना का मेन कॉन्ट्रैक्टर इसरो है और फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES इस मिशन में साझेदार होगी। CNES इस मिशन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स बना रहा है, जिसे रक्षा और एरोस्पेस कंपनी एयरबस डेवलप कर रही है। इस परियोजना के लिए ग्राउंड सेगमेंट यानी ग्राउंड कंट्रोल दोनों देश मिलकर करने वाले हैं। इस मिशन से कई काम पूरे होने वाले हैं, जैसे महाद्वीपी और तटीय जल संसाधनों की निगरानी, शहरों के तापमान का पता लगाना, जंगलों में आग लगने अथवा ज्वालामुखी फटने जैसी घटनाओं की निगरानी करना, हिममंडल जैसे ग्लेशियर, जमी हुई झीलें आदि का अध्ययन तथा रेडिएशन आदि का एनालिसिस भी इस सैटेलाइट से हो पाएगा। असल में पानी की कमी का सबसे अधिक असर खेती पर होता है। धरती की सतह का तापमान मापकर वहां पानी की उपलब्धता के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। इसरो और CNES इस परियोजना के जरिए ऐसी खामियों का पता लगाएंगे जहां पानी की कमी के कारण कृषि गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इससे पहले जो सैटेलाइट भेजे गए हैं उनका रेजोल्यूशन कम है, लगभग 1 किलोमीटर का, और वो हफ्ते में सिर्फ एक बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए एक जगह से गुजर पाते हैं। लेकिन दोनों देशों की संयुक्त साझेदारी में बनने वाले इस तृष्णा सैटेलाइट की रेजोल्यूशन 50 मीटर की होगी और ये हफ्ते में 3 बार एक ही जगह को रिविजिट करेगा। अर्थ सरफेस पर ये -20 डिग्री से लेकर +30 डिग्री तापमान के विस्तृत रेंज की गणना करने में सक्षम होगा। सतह का तापमान मापने के दृष्टिकोण से यह उपग्रह मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो फाइनली देखा जाए तो यह मिशन डेडिकेटेड है वाटर साइकल्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए और वाटर रिसोर्सेस को कैसे मैनेज किया जाए ये जानने के लिए, क्योंकि ये एक ही जगह पर हफ्ते में 3 बार रिविजिट करेगा, वो भी बेहतर थर्मल इंफ्रारेड रेजोल्यूशन से। ये भारत के बेहतरीन सैटेलाइट में से एक होगा जो हमें वाटर ऑप्टिमाइजेशन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को समझने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, स्पेस से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।